फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स में हम बनाएंगे उस डिवाइस को। तो चलिए और भी यहाँ पे सामान ले लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे मोबाइल की बैटरी का यूज किया, आप चाहें तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक चार्जर का किट लेंगे, उसके बाद हम एक LED लेंगे और यहाँ पे कुछ दो LED और ले लेंगे जो कि हमारे चार्जिंग के लिए काम आएंगे। और रजिस्टेंट आईबोर्ड लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच लिया है। तो चलिए अब इस स्विच को यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्रेंड इससे पहले इसको हम चाकू से यहाँ पे काटेंगे, तो चलिए यहाँ पे काट लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे होल कट कर लिया और इस बटन को यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पुरानी PCB एक टुकड़ा लिया है, इससे हमें चार्जिंग मॉड्यूल बनाना है जिससे हम डाइबोर्ड और रजिस्टर LED के थ्रू बनाते हैं। वैसे ही आपको इसमें भी बनाना है, तो चलिए इनको बना लेते हैं फटाक से। तो फिर हमें इनको तीन डिवाइस चार्ज करना है, इसलिए हमें तीन डाइबोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है। तो तीन डाइबोर्ड हम यहाँ पे लगा दिए हैं और दो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हम एक LED कनेक्ट करेंगे और एक इस साइड कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसमें हम LED को लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड LED को लगा कर उसको सोल्डरिंग कर लिया है। इसके बाद हम फ्रेंड यहाँ पे हमने तीन डाइबोर्ड लगा रखे हैं और दो रेजिस्टेंस, दो LED। तो यहाँ पे एक LED और लगाना है, तो वो एक LED हमारे इस डिवाइस में, इस सर्किट में यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगी हुई है। तो तीनों डाइबोर्ड में एक एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीनों डाइबोर्ड में एक एक वायर सोल्डरिंग कर ली है। उसके बाद मैंने ग्राउंड को भी तीनों को एक साथ मिला के ग्राउंड में सोल्डरिंग कर लिया है। तो दो वायर मैंने और सोल्डरिंग कर ली है बैटरी के लिए। उसके बाद इस चार्जर किट में हम प्लस माइनस में वायर सोल्डरिंग कर लेंगे, जहाँ पे हमारे 5 वोल्ट DC आ रहे हैं वहाँ पे हम प्लस माइनस में दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्लस वायर यहाँ से सोल्डरिंग करके और इसके ग्राउंड से एक माइनस वायर सोल्डरिंग करके बैटरी के प्लस माइनस पॉइंट पे सोल्डरिंग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बैटरी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। इससे एक प्लस वायर हमने सोल्डरिंग करके बटन के एक पॉइंट पे सोल्डरिंग कर दिया है। दो होल यहाँ पे कर लिए और दो होल यहाँ पे भी और एक होल वहाँ पे, आगे पीछे दोनों साइड हमने होल कर लिए। यहाँ पे भी हमने 3 होल करे हैं और इन होल से हमें यहाँ पे वायर निकालनी है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों वायर को यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चार्जिंग की दोनों वायर को दोनों होल से निकाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ पे जो दो होल किए थे इन LED के लगाने के लिए होल के, चलिए इन LED को यहाँ पे दोनों को लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने LED को लगा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे।
उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्लग लिया और इस प्लग की वायर को हमें चार्जर की किट में सोल्डिंग करना है। चलिए इस होल से इसको निकाल के अंदर से इसको काटी कर देते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमने गांठी दे दी है और इसके बाद हम इस किट के दोनों पॉइंट पे यहाँ पे दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस एलईडी को भी यहाँ होल से निकाल लेंगे। एलईडी हमारी लग चुकी है, उसके साथ हमारा सर्किट भी वहाँ पे अच्छे से फिट हो चुका है। इसके बाद हमारा ये काम पूरा हुआ। चलिए इस बॉक्स को यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड इससे चलने वाली एक एलईडी भी बनाएंगे जो कि हमारे इस डिवाइस से हमारा 5 वोल्ट एसी डीसी निकलेगा, जिसके लिए हमें 5 वोल्ट डीसी और एक एलईडी को भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस 5 वोल्ट एलईडी को बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस एलईडी का बॉक्स लिया और इस एलईडी में मैं यहाँ पे एल्युमिनियम शीट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एलईडी को भी यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है। इसके बाद चलिए इसका डिफ्यूजर भी बंद कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा बल्ब जल रहा है। उसके बाद हम इस डिवाइस को बता देते हैं इसको हम चार्ज कैसे करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है छत पर अपने, और यहाँ पे हमारा एक बल्ब जल रहा है जो कि हमारा सोलर पैनल से चल रहा है। दूसरे साइड हमने यहाँ पे एलईडी कनेक्ट कर रखी है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे हमारा अभी डिवाइस चार्ज हो रहा है। उसके बाद हमने एक वायर और कनेक्ट कर रखी है जो कि हम इस डिवाइस को पहले बना चुके हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको हमने बनाया जिस समय ये बारिश होगी तब इससे बिजली बनेगी और ये हमारे डिवाइस को चार्ज करेगा। उसके बाद हम इसको बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे चार्जर किट लगाई थी। यहाँ पे ये प्लग है, इसको आप एसी 220 वोल्ट देंगे तो ये बिजली से भी चार्ज होगा। तो फ्रेंड ये हमारा तीन चीज़ से चार्ज होगा, तो इसलिए इसकी बैटरी कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी, हमेशा चार्ज होता रहेगा और हमारे घर की लाइट हमेशा जलती रहेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक